क्या अगर आ जाए? हम्म, ये गिरा है कहीं पे। ये अलग ही लेवल का रोड है, खींच भी नहीं पा रहे भाई। सही टाइम पास कर लिया है, टाइम लैप आपने देख ही लिया होगा। अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं, की मनुष्य में जा रहे हैं। बाकी सारी चीजें हो चुकी है, मस्त यहाँ सुबह आ रहे हैं आराम से। बहुत सुंदर प्लेस है, पीस मिल रहा है यहाँ, पीस मतलब मजा आ रहा है। बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है, दोनों चीजें साथ में हो रही है हमारे, तो बढ़िया है। अब आगे मिलते हैं आपको सीधा कोपरो में। तो अभी हम सांचा से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अब की मोनेस्ट्री, जो स्प्रीति में पड़ता है। तो हम पूरा नीचे जैसे आए थे वैसे नहीं, यहाँ एक कट आता है, वहां से लांचा निकलता है, सीधा हम गाजा के लिए रूट पकड़ेंगे, गाजा वाला। थोड़ा बहुत ऑफ रोड है, उसके बाद रोड सही आ जाएगा आगे। गाजा है 14 किलोमीटर। हम वहाँ थे बुद्धा जी की मूर्ति लगी, वहां से अब पूरा घूम के हम नीचे आ गए। रोड है भाई सेक्सी, घर देखो वहाँ, छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं भाई। ये जगह है, इसे कहते हैं जगह, नीचे खेती कर रखी है, वर्थ इट है, मजा आ गया। देखो नीचे मस्त रोड है, क्या रोड है भाई। देखो भाई यहाँ से सीधी चढ़ाई थी, सही है, हम घूम के आए और हम जो वहाँ गए खाए और वहाँ से ऊपर फिर घूम के नीचे। ओ भाई साहब, कम स्पेस में है ये जो देख, हाँ ये अलग ही लेवल का रोड है। वहाँ धूप निकल रही है, धूप नहीं लग रही। वहाँ से ऊपर गए थे, अब हम घूम के पूरा सर्किट करके अब नीचे जा रहे हैं, हमें की मनुष्य निकलना है। तो भाई लांचा वाला रोड छोड़ के अब मनाली वाले रोड पे आ गए, जो काजा से मनाली जाता है रास्ता। अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे खाना कहाँ पर है, भूख बहुत तेज लग रही है खाने के लिए। क्या हुआ, कर रहा है। गियर में। एक बार करना। वो वहाँ का पेच गिर गया, कहीं का पेच गिरा है जिसकी वजह से ये पूरा वॉल्विंग कर रहा है। ये गिरा है कहीं पे, या तो आप काजा वापस चले जाओ। कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, ये अभी लिए अपने रेंट में? 4 दिन है, कल पंचर हुआ, हाँ और आज ये हो गया। ये हिस्सा ना, ये स्क्रू निकल गया इसका, आपको काजा वापस जाना चाहिए, अभी काजा में लग जाएगा ये बहुत जल्दी। धीरे धीरे चला के अभी स्टार्ट हुआ है क्या? अच्छा रुको, मैं देख के आता हूँ पीछे से। कुछ भी नहीं है भाई यहाँ तो, उनका वो स्क्रू ही निकल गया जिसकी वजह से पूरा वो टायर हिल रहा है, टायर क्या पूरा पीछे का हिस्सा हिल रहा है। Meanwhile, आशु भाई को मिल गया वो, इनकी गाड़ी का वो पन टूट गया शायद, यही है वो तो है, तो यही क्योंकि अभी इसमें ताजी ताजी ग्रीस थे ना, हाँ यहीं पे स्लिप ऐसे हिला ना टायर, दिखा ना ये लगाना पड़ेगा।
है टूल वगैरह है आप पे? हाँ? टूल डालना पड़ेगा, अभी काम चलाने के लिए रोकना तो पड़ेगा ना इसको। हाँ यार टूटा है, टूटा है इसको। क्या करा जाए भाई, भैया की गाड़ी का बैलेंस और रोड़ा, वो मेन पार्ट टूट चुका है। अब हमने बोला कि आप काजा चले जाओ, काजा सबसे पास में अभी इस टाइम पे, तो वो काजा निकल रहे हैं सीधा और हम लोग आगे जा रहे हैं। हमने बोला उनको कि हम लोग चल लेते साथ, मगर उन्होंने मना कर दिया, कह रहे आप लोग जाओ मैं चले जाऊँगा धीरे धीरे। तो चले ही जाएंगे धीरे धीरे, देखो बैलेंस करते हुए जा रहे हैं भाई। दे क्या क्या हो जाता है भाई, कुछ भरोसा नहीं है गाड़ी का, मगर ध्यान रखना, हमें भी ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। चलो आगे चलते हैं भाई, इन रोड पे चलने में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चलता कुछ भी चीज का, पता नहीं चलता कि अब क्या हो जाए, ध्यान से चलना चाहिए एकदम। अब वो सोलो कर रहे हैं, उन्होंने रेंट पे बाइक लिया मनाली से, और उसका वो मेन पार्ट टूट गया जिससे वो बैलेंस होती है, बीच में एक रोड होती है गाड़ी के जो पीछे वाले टायर को बैलेंस करती है पूरा, वही टूट गया। अब बताओ, शुक्र है काजा बस 4 किलोमीटर दूर था पीछे, आराम से काजा पहुंच जाएंगे, बैटरी भी खत्म होगी वो पूरी, ये की मोनेस्ट्री के आसपास देखेंगे कुछ खाने के लिए। तो आपका स्वागत है, जगह का नाम है की और हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। तो ये रोड पूरा एकदम सेक्सी वाला आपने भाई, ये की में आपका वेलकम है, आप खाने का कुछ मिल जाए मजा आ जाए। बंदा सब कुछ खुला ही नहीं दिख रहा मुझे, तो चढ़ के जाना पड़ता है क्या यहाँ से? रोड वे टू की मोनेस्ट्री। ओ वाओ क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, मजा आ गया देख के। हमारा स्वागत होता हुआ की मोनेस्ट्री में। पहले खाना खाएंगे, ये अपना गोप्रो चार्ज हो रहा है और खाना भैया निकाल रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए। इनको खाना नॉन वेज, हम मैं निकला दूँ वेज ला ला के। सुमित वाला हाल कर रखा मैंने, इन्हें खानी थी चाउमीन, मैं बोलता हूँ रोटी। जाके कट्ठे खाऊंगा। ओके तो हमने खाना खा लिया था दोनों ने, बढ़िया करके खाना खा लिया। अभी हम ये जो की मनुष्य उसकी चढ़ाई कर रहे हैं। खाना ठीक था, हमारा सारा कवर हो चुका है, बस ये रह गया और एक ब्रिज रह गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सीन है। ये देखो ये की मोनेस्ट्री, इनकी तो मर मर के आ रहे हैं। One hour later. तो अभी मोनेस्ट्री से आए थे, अब इसकी मस्ती एक फोटो लेंगे, लोकेशन पे जाएंगे, हमें पता है किस साइड है, बैक साइड से मस्ती लोकेशन आती है वहाँ जाएंगे। यह परफेक्ट लोकेशन की मोनेस्ट्री है, यह मैं बना रहा हूँ बेस्ट टाइम लैप। भी बना लिया था, अब जा रहे हैं। एक तो मैंने हेलमेट वहीं छोड़ दिया, तो अभी वहीं जा रहा हूँ, कहीं कहीं लेके ना चला गया, दिक्कत हो जाएगी यार, हेलमेट कोई दिख गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत। चलो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पर, है ना। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से की मोनेस्ट्री से, तो अब आगे मिलते हैं। तो मैं वो भूल गया ट्राइपॉड अपना गोप्रो के लिए, तो दिक्कत हो रही है। अब विस्ट अगेन जरूर आएंगे फिर दोबारा, वहाँ से निकल गए थे, हमें जाना चिमचम ब्रिज। वो चिमचम ब्रिज ये रहा, देखो भाई कितना नीचे है, एक बार देख लो भाई साहब। फाइनली चिमचम ब्रिज, लगा के फोटो वोटो खींचते हैं एक दो, देख लो भाई कितना गहरा है, दिख भी नहीं रहा है। तो ये देखो इसकी गहराई दिखाता हूँ मैं, बारिश भी आने लग गई है तो हमें लग रहा है निकलना पड़ गया। ये देखो
ज्यादा नीचे है, बहुत ऊपर बना हुआ है। तो ये हमने कर ही लिया, मतलब कल भी आना ही है हमें सुबह। एक बार गहराई दिखा देता हूँ आपको इसकी, रुको यहाँ से दिखेगी गहराई। वो भाई बहुत नीचे है ये, डर भी लग रहा है। वहीं से दिखती है, फिर इससे वो देखो वो पानी दिख रहा होगा, पता नहीं बहुत नीचे है भाई। वो तो चाहिए, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है अगर कहीं पे, हाँ हमें नॉलेज तो हाइट वगैरह लिखी है मगर वर्ल्ड का तो सबसे ऊंचा नहीं है, पता नहीं यार। तो हम वापिस अब कहाँ जा रहे हैं, अपने होम स्टे में, और वहीं जाके अभी पहले सबसे पहले पेट्रोल भरवाएंगे अपनी गाड़ी में, अभी तो पेट्रोल है अपनी गाड़ी में। पूरा सर्किट हो चुका है हमारा स्प्रीति का, अब हम चंद्रताल जाएंगे। चंद्रताल कल सुबह रुकेंगे और वहीं से मनाली पार करके अपना आगे कहीं पे देखेंगे, जहाँ पर सेफ्ट लगेगा वहाँ पर जाके स्टे कर लेंगे। अभी तक का यही प्लान, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। मगर अच्छा हुआ हमने एक दिन का वो ब्रेक ले लिया, जिसकी वजह से हमें वो नहीं हो रही प्रॉब्लम घूमने में, और आराम से घूम रहे हैं बस। बाइक इसलिए ही तो लिया ऑफ रोड के लिए भाई, ऑफ रोडिंग में मजा आता है। ये देखो व्यू भाई, क्या मस्त व्यू है। नशे की आदत मौत को दावत। और ये हम वापस अपने होम स्टे के रूम में आ गए हैं, रूम से हमारा ये व्यू है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर देखते हैं क्या क्या सीन है। हालत देखो रूम की कैसे कर रखी है हमने। One hour later. तो हम लाइक 5 बजे आ गए थे अपने होम स्टे में, आपने देख लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था अपना, काम वाम निपटाना था मेरे को, वो फाइल वगैरह भेजनी थी वो मैंने करा। अब हम 7:30 बजे मेन मार्केट घूमने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एक कैफे है उसके लिए निकल रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। गाजा दिखाते हैं, पैदल दिखाते हैं भाई, बाइक पे तो बहुत हो गया, पैदल भी देखो। ठीक है चलो मिलते हैं आप। तो ये मार्केट है यहाँ की, सब कुछ मिल जाएगा आपको इजीली। ठंड के कपड़े ज्यादा हैं भाई, ठंड है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। अभी इस कैफे में चलेंगे अपन, कैफे में जा रहे हैं, देख क्या वाइब है कैफे, सुंदर सा तो लग रहा है। बाहर बैठने का है नहीं? तो ये आ गया है हमारा, क्या आया कुत्ता, ये रहा ना, ये रहा कुत्ता। अभी खा के बताओ कैसा लगा। खींच भी नहीं पा रहे भाई, कैसा है? ठीक है चलो मैं भी खा के बताता हूँ वो कैसा लग रहा है। तो मार्केट से हम अपने होम स्टे में आ गए थे और खाना खा लिया था हमने वहीं पे कैफे में, और खाना बढ़िया लगा, भैया को भी बढ़िया लगा, बढ़िया था सच में, अच्छा। और अब प्लान ये है कि अब बस हम अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं अपनी, इनकी तो हो भी गई है, वो देखो बोरा पड़ा है ये इतने में ही आ गए हैं। ये मेरा ही सामान है बस, पूरी इसमें यहाँ से लेके वहां तक ये बस मेरा सामान है सिर्फ। अब बस सीन ये है कि अब पैकिंग करके अभी पूरा सेट कर देंगे बाइक को, कल बस टाई अप करना पड़ेगा बाइक पे, टाई अप करेंगे बाइक पे। और कल जो एडवेंचर है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। काजा से जा रहे हैं मनाली के लिए, तो बीच में चंद्रताल लेक भी आती है तो वहां पे रुकेंगे, तो हम जल्दी सुबह निकलेंगे यहाँ से। इस ब्लॉग में आपको मजा आया होगा, मैंने हर एक जगह का हर एक चीज का चीज बताई है, कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ गए हैं, और कहीं कहीं पे माइक का प्रॉब्लम था तो वो थोड़ा सा समझ सकते हो आप। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट शेयर करना अच्छे से दोस्तों के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग तो फुल किलो होने वाला है, एडवेंचर होगा बाप। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।